गुड आफ्टरनून. आज बात कर रहे हैं हॉस्टल लाइफ, ए यूनिक लाइफ, ए डिफरेंट लाइफ. तो मैं आज हमारे पास चार हॉस्टल गर्ल्स हैं, हम फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गंगानगर, फ्रॉम हरियाणा. तो चारों डिफरेंट जगह से. कैसा लगता है जब आपको इतने डिफरेंट जगह से लोग हैं और यहाँ पे आके रहते हैं? तो आप में लड़ाई होती है कभी, झगड़ा होता है आप लोगों में? नो सर, नहीं सर. तो कैसा लगता है सर? सब बहुत अच्छा लगता है, सब अलग अलग जगह से हैं लेकिन सब एक फ्रेंडली, एक घर जैसे ही रहते हैं यहाँ पे. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये इस जगह से है, वी वोंट टॉक विद देम, कुछ भी ऐसा नहीं है. इनफैक्ट हम लोग वो जो सीनियर्स हैं उनको वो बड़ी बहन की तरह ट्रीट करते हैं, जूनियर्स हैं उनको छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग ग्रीट करते हैं, प्यार से रखते हैं यहाँ पे, सब कुछ बहुत शांति से. लेकिन फिर भी है ना, आपकी बात थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जैसे फैब्रिकेटेड है, सच्ची नहीं है. कुछ कुछ बैड फीलिंग है तो वो भी बताइए, कुछ गुड फीलिंग है तो वो भी बताइए. सब कुछ अच्छा तो किसी भी जगह नहीं होता सर. एट टाइम्स होती है लड़ाई, कहीं नहीं होती, ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट. एंड बहुत जगह पे आप घर से बाहर हो तो आपको कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस, एडजस्टमेंट ज़रूरी होता तो. और यहाँ पे इवन हमें अगर कोई गलती होती है तो अगर हमें बड़ों से कंसर्न करना होता है तो वार्डन ज़्यादा है, वो हमें अच्छे से गाइड करती है, वो हमेशा हमें प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट ही करती हैं. और एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैप्पी हियर. शिवियत, आप बता रहे हैं, आप कुछ सच बोलोगे? आई होप सो, क्योंकि मेरे को लगता है कि सच ही सबसे ज़्यादा अपील करता है, सच्ची बात ही अच्छी लगती है सबको. सही कह रहा हूँ? yes. तो मुझे सच सच बताओ कि इतने रेस्ट्रिक्शंस, गर्ल्स हॉस्टल है तो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, हॉस्टल है, बाहर नहीं जाना, लिमिटेड आउटिंग, मोबाइल का यूज़ है पर रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है, तो क्या ये रेस्ट्रिक्शंस परेशान नहीं करते तुम्हारे को? ट्रूली सर, स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब जब ये सुना कि मोबाइल्स अलाउड नहीं है तो हमने कहा ओ माय गॉड, हमारी तो लाइफ एकदम स्टॉप ही हो गई है, एकदम स्टार्टिंग में लगा था. बट सर, इन 21st सेंचुरी हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल का जो न्यू जनरेशन गैप है, न्यू एरा है, वो बिना मोबाइल, व्हाट्सअप, बाइक, वेब चैट, कितना कुछ नहीं आ गए. इसकी वजह से सर हम अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट अपने करियर को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स लाइक दे आर यू नो बहुत ज़्यादा वो लोग हमें अमाउंट वगैरह यहाँ पे देते हैं, जो भी है दे आर वेरी सैटिस्फाइड विद अस. बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें हम चीट करते हैं. बट जब से सर फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन एज द डे आई एंटर्ड इन दिस कॉलेज, स्टार्टिंग में नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बट धीरे धीरे करके जब हम दूसरे को देखते हैं, सामने वाले को, जब हम अपने से बड़े किसी पोस्ट के जब पर्सन हमें एडवाइस करते हैं ना, तब लगता है कि हाँ वी आर राइट, वी आर सेफ. ये सब चीज़ें हैं बट किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये इफेक्ट करती हैं हमें. सो सर, वी आर टोटली सैटिस्फाइड कि आउटिंग हमें मिल रही है विद वार्डन्स, क्योंकि वार्डन्स के साथ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर दो ही आउटिंग है, सेल्फ लेके हम लोग जा सकते हैं, कुछ यहाँ टेलर के पास काम है, क्लिनिक है, नो डाउट सब कुछ यहाँ पे हमारे साथ है, ब्यूटी पार्लर है, टक शॉप है, कैफेटेरिया है, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर. एंड इन शॉर्ट अगर देखा जाए सर तो 99.9% स्टूडेंट्स आर सैटिस्फाइड इन द हॉस्टल. पर शिव्य, फिर भी हम नए ज़माने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ये सब बात करते हैं, और आपको जब दूसरे फ्रेंड्स को देखते होंगे तो उन सब के पास वो फैसिलिटीज़ होती है और वो आपके पास नहीं होती है. चीज़ें तब इफेक्ट करती है ना जब हम लोग अपडेट ना हो. अब हमारे पास ये सब चीज़ें हैं नहीं, बट देन ऑल्सो वी आर अपडेटेड, तो हमें कुछ ऐसा है नहीं. कल को हम बाहर जाएंगे तो हमें व्हाट्सअप, वेब चैट, सब कुछ कुछ न्यू नहीं लगेगा. वी आर लाइक कि हाँ ये हमें पता है, हमारे पास नॉलेज है, तो हम लोग को ऑकवर्ड भी फील नहीं होगा. और सर जहाँ भी जाओ नॉलेज सबसे पहले बोलता है बस. सर हम आपसे भी एक्सपेक्ट होगी कि आप भी सच बोलेंगे आज. आर यू रेडी फॉर देट? सो मुझे बताओ कि आपको जैसे हॉस्टल में वार्डन भी इतना सब बोलती है, वार्डन सोना, और आपके डायरेक्टर भी आपको बहुत समझाते हैं, तो वो उपदेश जैसे नहीं लगते आपको कभी कभी कि उपदेश दे रहे हैं हम लोगों को? ट्रूथफुली बताओ. नो सर, एक्चुअली ये बात है कि जो हमें बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, बट स्टूडेंट लाइफ होती ऐसी है कि जब हमें बोला जाता है वी फील दैट वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओवर हियर एंड वी आर बाउंडेड बाय सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. बट सर जो भी होता है दे आर फॉर आर बेनिफिट ओनली, एंड हियर वी लर्न हाउ टू एडजस्ट विद ऑल. एंड जैसे मॉर्निंग में प्रेयर का होना, मेडिटेशन का होना,
सो समटाइम मुझे लगता है कि यूथ इतनी जल्दी से तो नहीं करते होंगे, तो हाउ यू आर रिएक्टिंग फॉर दैट, कि आपको कैसा लगता है ये सब चीज़ें, कि प्रेयर का होना, सुबह मेडिटेशन होना, फोकस होना, डायरेक्टर्स का आपके साथ अपने रोजाना कुछ नई बातें आपको बताना, सो आप ट्रूथफुली बताइए कि उसे आप कैसे लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। सर एक्चुअली आई टू थ्री टाइम्स आई अटेंडेड द प्रेयर ओवर हियर, रियली इट्स गुड टू प्रे, मेडिटेशन इट्स वेरी गुड, वी लर्न मीन्स हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट, हाउ टू गिव टाइम फॉर अस, एंड सर इट्स अ गुड थिंग गुड ट्रूथफुली सर, टू थ्री टाइम्स ओनली, ग्रेट। अच्छा अच्छा ओके, सो सनम ने भी मुझे लगता है आज सच बोला है, और मुझे लगता है ये सच जो है ना, यही शायद माइंड और हार्ट को सबसे अच्छा लगता है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो एक साथ करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CPT एग्ज़ाम दिया आपने, कहते हैं कि उसके लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, उसके लिए कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ प्रोफेशनलिज्म हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, कहाँ तो BCom कोर्स, कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो दोनों एक जगह करना, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे करना, एक ही प्लेस पर करना, तो और कैसा लगा, और कितना आप इंश्योर कर रहे हैं अपने आप को कि आपको अल्टीमेटली CPT आपका क्लियर होगा इस? सर ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे ही सब कुछ करना है, यहाँ पे भी हम प्रोफेशनल टीचर से मिले हैं, हमारे जैसे अकाउंट्स के टीचर खुद CA, आप खुद CA हो, इट्स नॉट लाइक कि हमें कोई प्रोफेशनल मिला नहीं, तो हमें बहुत अच्छी स्टडीज़ मिली हैं यहाँ पे, CPT हमने बहुत अच्छे से मज़े मार के की है, फ्रेंकली बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने CPT के साथ साथ, तो साथ में हमारी CPT प्लस BCom बहुत आराम से और स्मूथली चली है, तो इट्स नॉट अ बिग डील दोनों के साथ एक। तो आपको क्या लग रहा है इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे? यस सो श्योर। सो चलिए आप सब लोग, और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? सर ऐसे बोलते हैं कि आप हॉस्टल में हो, इतने रिस्ट्रिक्शंस में हो जैसे आपने पूछा, तो ऐसा नहीं है, वी हैव लैब्स हियर, दे आर वेल अपडेटेड, हमें वहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हम वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो वी आर नॉट अप टू डेट और हम इस बाहरी दुनिया से एकदम अलग जगह पे रहते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन हमें गाइडेंस मिलती है हमारे टीचर्स से, हमारे डायरेक्टर सर से, हमारे पेरेंट्स से, वो हमेशा यही रहती है कि आप अच्छे से रहो और सब काम शांति से करो, तो वी आर वेरी वेल। एक आखिरी सवाल सब लोगों से पूछना चाहेंगे, आप सब लोगों से पूछना चाहेंगे, पूनम से भी, शिव्या से भी, सनम से भी और मनप्रीत से भी, चारों से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसिक्योरिटी वाली फील हो रहा है गर्ल्स को, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में, पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस है, न्यूज़पेपर्स, अखबार, एवरीवेयर दिस टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हम सब लोग को फील होता है, तो इनसिक्योरिटी एंड गर्ल्स ये क्यों है और इसका क्या वे आउट है, इसके बारे में आप सबको मुझे पाँच दो दो मिनट आपको मुझे ये बात कम्युनिकेट करनी है। सर इनसिक्योरिटी तब होती है एक गर्ल के अंदर जब उसके पास अच्छा सा एक्सपोजर नहीं होता या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसपे वो अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे वी आर गेटिंग सच प्लेटफॉर्म जहाँ हम हमारी क्वालिटीज़ भी दिखा पाते हैं एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड एक्सपोजर आउट हियर, हमें बाहर भेजा जाता है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के लिए, हम इंटरनेशनल भी जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिससे वी कांट से कि वी आर नॉट गेटिंग अ बेस्ट एक्सपोजर आउट हियर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छा एक्सपोजर हो, तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी कहीं नहीं आती है। शिव्या सर जो मेन आजकल यही, मैं इनकी बात से एकदम अग्री करती हूँ कि इट्स ऑल कॉज ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि कुछ गर्ल्स हम देखते हैं कुछ एरियाज आज भी इंडिया में ऐसे जो अंडर डेवलपमेंट है जहाँ पे गर्ल्स को निकलने नहीं देते बाहर कि उन्हें घूंघट में निकलना है या जो भी कुछ है, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें लैक करते हैं, बिकॉज एक बार वो किसी को देखते हैं एकदम से वो सहम जाती है कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, और आजकल पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, कोई जॉब कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, बट यही रहे कि यहाँ पे
एक हॉस्टल लाइफ में यही बोलना चाहूँगी, एवरी वन शुड एक्सपीरियंस एटलीस्ट फॉर वंस, क्योंकि यहाँ पे रह के यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट, कि आपको पता है आपको कैसे अपना खर्चा क्या करना है, कैसे रहना है. आपके ऊपर सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी फैमिली, आपका रिस्पेक्ट, हर चीज़ आपके ऊपर, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली आ जाती है. और फिर एक गर्ल को तो आगे भी जाके कितना कुछ संभालना होता है. तो इट्स ऑल लाइक कि हाँ, इंडिपेंडेंट होना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अ गर्ल. एक्सपोजर इज़ ऑल्सो देयर, इंडिपेंडेंट इज़ ऑल्सो देयर. और वन थिंग इज़ लाइक, कैरेक्टर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपने अपने काम के लिए कुछ अपना जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कुछ ऐसे. अ गर्ल शुड बी स्ट्रॉन्ग विल पार्ट, उसको कैरेक्टरफुल होगी तो आगे जाके उसको जॉब सब कुछ वैसा मिलेगा. और गर्ल अनसिक्योर होगी आगे, ये तो कोई सवाल उठता ही नहीं है. ये सर दे बोथ आर राइट. एज जब हम अवेयर होते हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. वी आर नॉट मीन्स वी आर नॉट इनसिक्योर. एंड तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अबाउट दैट, कि वी शुड बी अवेयर अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस. एंड एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. वी शुड एक्सपीरियंस एट लीस्ट वंस, एज शी सेड दैट इन वाइल लिविंग इन हॉस्टल वी लर्न द हाउ टू एक्सपीरियंस लाइफ. एंड सर फॉर इनसिक्योरिटी वी कैन से दैट गर्ल्स कैन बी सिक्योर एट वन पॉइंट व्हेन दे आर एजुकेटेड. इफ़ अगर गर्ल्स एजुकेटेड हैं तो उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी. मैं बहुत छोटे से प्लेस से आई हूँ, वहाँ लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता. मैं वहाँ से शायद पहली लड़की होंगी जो बाहर आई हूँ, जयपुर तक पढ़ने आई हूँ. इट्स लाइक कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि आई स्टैंड, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आई डू समथिंग फॉर देम. तो इट्स लाइक कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ. इट्स माई पेरेंट्स ब्लेसिंग आर विद मी एंड गॉड्स. आई एम नॉट सो. मनप्रीत ने एक बहुत पावरफुल बात बोली है कि इनसिक्योरिटी किस कहाँ से होती है. इनसिक्योरिटी माइंड से होती है. अगर मेंटली आप स्ट्रांग है, मेंटली आप एम्पावर्ड है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई इनसिक्योरिटी रहती है क्या. क्योंकि अगर और आपने अगर मान लीजिए बहुत फैसिलिटी जुड़ा कलेक्ट कर लिए, बहुत सारे आपके पास साधन है, लेकिन आप मेंटली अगर डिस्टर्ब हो गए तो आप कितने भी वेपन्स रखिए, कितने भी साधन रख लीजिए, आप इनसिक्योरिटी रहेंगे. एम आई राइट? ठीक कह रहा हूँ मैं? तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन एक और आखिरी बात आप सब लोगों से दो दो मिनट बोलना चाहेंगे. गर्ल्स एजुकेशन ओनली एक्सक्लूसिव गर्ल्स कॉलेज, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? एक्सक्लूसिव गर्ल्स कॉलेज वाई? इट इज़ गुड, इट इज़ गुड और बैड, वाट एवर इट मे बी, जो भी आपकी समझ है. दो मिनट आपको दे रहा हूँ मैं. गर्ल्स एजुकेशन, एक्सक्लूसिव गर्ल्स एजुकेशन, इज़ इट राइट और रॉन्ग? इसके बारे में आपको दो दो मिनट अपनी अपनी बात बोलनी. सर गर्ल्स एजुकेशन, सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन है एक्सक्लूसिवली, वो बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पेरेंट्स यूँ प्रेफर करते हैं, ओ कोएड है, मेरी बच्ची सेफ नहीं है. लेकिन गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन है, उस पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ये है. सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, वो लोग सेफ रहते हैं. गर्ल्स आर सेफ ओवर हियर. पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं रहती, मेरी बच्ची सुरक्षित है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पढ़ाई अच्छी से ही चल रही होगी, अच्छी कॉलेज में डाला है. तो दे डोंट फील, दे डोंट हैव दैट हेजिटेशन कि आइदर माई गर्ल इज़ सेफ और नॉट. और उस सिर्फ उसी रीज़न से बहुत से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं. जहाँ पे नहीं पढ़ते बच्चे, फिर भी वो लोग यहाँ पे भेजते हैं उनके पेरेंट्स कि वो लोग पढ़े, उनकी गर्ल्स पढ़ाई करें. तो इट इज़ वेरी गुड दैट एक्सक्लूसिवली गर्ल्स यहाँ पे पढ़ती हैं. इट इज़ अ गर्ल्स कॉलेज. सिंस माई चाइल्डहुड आई एम स्टडिंग इन गर्ल्स कॉलेज, आई मीन गर्ल्स स्कूल. गर्ल्स स्कूल मेरा पूरा 13 ईयर्स, क्लास के जी टू क्लास 12 गर्ल्स में निकला है. और ये मेरा पूरा जो भी मेरा ग्रेजुएशन है ये भी पूरी गर्ल्स में ही जाएगी. एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद दैट. क्योंकि आगे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स वहाँ पे हमें मिलेंगी. नो डाउट कई लोग इन्जॉय करने के लिए कोएड लाइफ ले लेते हैं, वो फुल इन्जॉयमेंट करते हैं, बंक करते हैं, कितनी कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. बट एनी सम हाउ गर्ल्स में ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं अपने टीचर्स से. हर चीज़, एनी डाउट हम लोग पूछ सकते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो रहे हो, आपको शर्म आएगी कि एक क्वेश्चन दो बार पूछा, तीसरा क्वेश्चन, जो भी कुछ है. एंड टीचर्स आर लाइक कि हाँ, वो भी अपनी डॉटर्स की तरह समझ के हमको हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. सो जहाँ तक देर इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज या फिर स्कूल वो होने चाहिए. बिकॉज सम हाउ जैसा इन्होंने कहा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं. क्योंकि माई मम इज़ स्टेइंग
इन ऑस्ट्रेलिया, शी इज़ इन अब्रॉड, एंड अभी उनका यहाँ है कि जयपुर में नोबडी, आई मीन कोई यहाँ पे है नहीं, बट उन्होंने मुझे यहाँ पे गर्ल्स में डाला ये सोचे कि हाँ मैं यहाँ पे एकदम सेफ हूँ, सिक्योर हूँ. तो उनके दिमाग की आधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो ऐसी एकदम हो चुकी हैं सॉल्व. इसलिए गर्ल्स कॉलेज और ये अगर सर्वे निकाला जाए तो आई एम इट, मतलब हाँ होना चाहिए हम लोग की लाइफ से. Yes, of course, girls, exclusive girls study is very good. It's a nice, good experience for me because I've done my schooling in co-ed and it's a good experience here, sir. Sir, girls education, yeah, it's superb thing because like in small villages, parents didn't agree for this. For co-ed, never. They'll never agree on this. तो जो लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को वो सिर्फ ये सोच के भेज देते हैं गर्ल्स कॉलेज है, फाइन, कोई लड़के नहीं है वहाँ, तो उनके लिए सेफ्टी है वो चीज़. इसीलिए तो ये मतलब हुआ कि पेरेंट्स का कंडीशन है. हाँ जी, आपने भी बोला पेरेंट्स की विशेज है, लेकिन आपकी क्या विशेज है? फॉर अस, आपको क्या लगता है? सर इट्स फाइन, हाँ फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स ठीक है, फ्रेंड्स अपनी जगह है, स्टडी अपनी जगह है, एक अपनो पेरेंट्स अपने लिए इतना कुछ करे तो उनके रिटर्न में भी तो हम कुछ करें ना उनके लिए. फॉर दैट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. सबने पॉजिटिव बातें की है. ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ अस. थैंक यू वेरी मच.